हो गया। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज का टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग ध्यान करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म का विकास जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बौद्ध धर्म का विकास किस सदी में? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये बौद्ध धर्म का विकास मुख्य रूप से भारतीय समाज या भारत में जो समाज था उसमें कुरीति आ जाने के कारण ये बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ठीक है, जैसे भारतीय समाज में कुछ कुरीति आने का मतलब ये था कि भारतीय समाज में कहीं ना कहीं जो है पशु बलि, नर बलि पर था, पशु बलि पर था, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आदि जो है वो सम्मिलित था। यहीं पर देखा जाता है कि जब ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो ऋग वैदिक काल था इसमें यीन सरी व्यवस्था नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति जो थी वो काफ़ी उत्तम थी, नर बलि पर था, पशु बलि पर था, ये सब नहीं थे। लेकिन वही 1000 से 600 ईसा पूर्व में बाकी तीन वेदों का जो है रचना हुआ था, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और साथ साथ जो है उपनिषद का गठन, उस उपनिषद लिखे गए। इन उपनिषद और वेदों के में भारतीय समाज का परिदृश्य जो है दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत का समाज जो है वो ऋग वैदिक काल से थोड़ा नीचे चला गया। यहाँ पर नर बलि पर था, पशु बलि पर था और स्त्रियों, खासकर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ चुकी थी। इन ये प्रथाएं जो थी वो भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होते जा रही थी। इसी कारण जो है यहाँ भारत में दो धर्मों का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इसमें पहला धर्म जो है मानते हैं वो बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म का विकास जो है वो भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। वहीं जैन धर्म का विकास जो है वो भारत के कुछ राज्यों में ही यह सिमट कर रह गई। बौद्ध धर्म का विकास होने का कारण यह था कि ये समाज में जो है इनका दिशा जो था वो काफ़ी सकारात्मक था और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो व्यवस्था इन्होंने रखी वो काफ़ी लिबरल थी। बौद्ध धर्म को अपनाने का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा था क्योंकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का भी व्यवस्था किया गया था, यानी कि जितने भी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो लोग बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं मध्यम मार्ग के द्वारा। यहीं पर जो है जैन धर्म में मध्यम मार्ग का नहीं, वहाँ पर जो जैन धर्म को अपनाने के लिए वहाँ पर एक छोटा जैन धर्म के रूप में ही एक छोटा व्यवस्था किया गया था, जो कि काफ़ी बौद्ध धर्म से काफ़ी जो है वो कठिन था। ये कठिन होने के कारण जैन धर्म जो है वो ज़्यादा नहीं प्रचलित हुआ, क्योंकि जैन धर्म के उपासक जो होते थे वो काफ़ी कठिनाई के साथ साथ उनका जो है जीवन यापन होता है, इसके कारण जैन धर्म उतना विकसित नहीं हुआ। वहीं बौद्ध धर्म जो था थोड़ा लिबरल था, इसलिए बौद्ध धर्म का विकास भारत में काफ़ी ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्म का जो है बोलबाला सबसे ज़्यादा रहा, पहला जो था वो बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तब हम लोग आते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का विकास जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कितने सदी में? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के नज़दीक लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ मिलता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा था इनका, और उनसे पहले जो है गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसीलिए यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता थे सुयोधन। इनके पिता कौन थे? सुयोधन। ठीक है, और इनकी माता महामाया। इनकी माता महामाया। महामाया की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के सातवें ही दिन हो गई थी, इस जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी जो कह सकते हैं वो महाप्रजापति गौतमी थी।
यानी कि 7 दिन के मृत्यु के बाद, महामाया के 7 दिन के मृत्यु जन्म के बाद, 7 दिन के मृत्यु के बाद जो है इनका पालन पोषण कौन किए थे? गौतम बुद्ध का महाप्रजापति गौतमी। ये किस वंश से थे? ये शाक क्षत्रिय वंश से थे। गौतम बुद्ध किस वंश से थे? शाक क्षत्रिय वंश से थे। ये भी काफ़ी बार पूछा गया था कि गौतम बुद्ध जो है वो किस क्षत्रिय वंश से थे? वो शाक क्षत्रिय वंश से थे। वही महावीर जो है वो किस वंश थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से वो संबंध रखते हैं। तो ये किस वंश से संबंधित रखते थे? शाक क्षत्रिय वंश से। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनका जो है विवाह मात्र 16 वर्ष, कितने वर्ष? 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया था, ठीक है ना। इनके विवाह के बाद जो है इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल। इसके बाद गौतम बुद्ध जो है वो अपने राजमहल में ही रहते थे। और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे गौतम बुद्ध लगभग 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग किए थे। जिस समय, उस समय इनका उम्र कितना था? लगभग 29 वर्ष है। और ये गृह त्याग करने के बाद ये वैशाली पहुँचे। वैशाली के समीप एक स्थान था, वहाँ पर उनके एक गुरु मिले। जब प्रथम गुरु मिलते हैं उनका नाम क्या था? अलार कलाम। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। ये कहाँ मिले थे? वैशाली के पास। ये कहाँ मिले थे? वैशाली के पास है। लेकिन गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे जिस कारण से उनको ये गुरु जो अलार कलाम मिले इनसे वो संतुष्ट नहीं हुए, जिसके कारण ये अपने प्रथम गुरु अलार कलाम को छोड़कर ये आगे बढ़ गए। वो वैशाली से आगे बढ़ते हुए वो पहुंच गए कहाँ? उरुबेला। कहाँ पहुंच गए? उरुबेला, जहाँ पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये उरुबेला जो है वो वर्तमान में बोध गया का पुराना नाम ही था, उरुबेला, ठीक है ना। ये उरुबेला के पास जो है लगभग 6 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? लगभग 6 वर्षों तक, लगभग 6 वर्षों तक ये कठिन परिश्रम कठिन तपस्या किया। उसके बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पर हुआ था वो वहाँ पर एक निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। बैसाख पूर्णिमा के दिन 6 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद उरुबेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। आगे देखिएगा कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले उपदेश देने के लिए, यानी कि बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ था? सारनाथ में। सारनाथ, जिसको सारनाथ को पहले बोला जाता था ऋषिपतन। सारनाथ का पुराना नाम क्या था उस समय? ऋषिपतन। तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे कौन? गौतम बुद्ध ने। ये भी क्वेश्चन जो है अनेकों बार पूछा गया था, या अनेकों बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में या ऋषिपतन में। यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को एक जगह बैठाकर सबसे पहली बार ज्ञान की, या अपने ज्ञान के बारे में बताया था, या ज्ञान का दर्शन कराया था। इनकी मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, कहाँ पर? कुशीनगर में हुआ था। ये कुशीनगर कहाँ? वर्तमान में जो गोरखपुर यूपी में पड़ता है। ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में गोरखपुर यूपी। ये उस समय, जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी वो मल राज्य की राजधानी थी कुशीनगर। मल राज्य की राजधानी कहाँ था? कुशीनगर। यहाँ के उस समय राजा थे मल राज सस्तीपाल। कौन थे राजा? मल राज के राजा कौन थे? सस्तीपाल। और उसी की राजधानी, मल राज की राजधानी थी उस समय कुशीनगर, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मृत्यु को, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और जहाँ पर ये सबसे पहला बार उपदेश दिए थे, यहाँ पर कहा जाता है जब गौतम बुद्ध ने उपदेश देना प्रारंभ किए थे उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन।
बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन, और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। आगे देखिएगा कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य का जो उल्लेख किया था, कितने आर्य सत्य, चार आर्य सत्य का उल्लेख किए थे, जो बौद्ध भिक्षुक बनेंगे उनके लिए चार आर्य सत्य के जो है चार आर्य सत्य का उदय किया था। वो चार आर्य सत्य में जो है पहला कौन था, वो है दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामी प्रतिपदा। ये दुख निरोध प्रतिपादी जो है ये इसका ये किस रूप से इसको चलाया जा सकता है, तो ये चलाया जा सकता है या किस रूप से इसको नष्ट किया जा सकता है, तो ये अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने ये दुख निरोध गामी प्रतिपदा को समाप्त कैसे किया जा सकता है, तो ये अष्टांगिक मार्ग अपना कर इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि मध्यम मार्ग की शिक्षा गौतम बुद्ध ने एक और शिक्षा दी थी, वो था क्या, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग की शिक्षा भी गौतम बुद्ध ने दी थी। मध्यम मार्ग की शिक्षा गौतम बुद्ध ने वो जितने भी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों के लिए ये मध्यम मार्ग का मध्यम मार्ग का चयन करने को कहा, ठीक है ना। मध्यम मार्ग का शिक्षा जो है गौतम बुद्ध को मिला था किससे, मध्यम मार्ग का शिक्षा जो मिला था गौतम बुद्ध से वो सुजाता से मिला था। सुजाता एक राजकुमारी थी जो उन्हीं के आसपास में एक जंगल में वो रह रहे थे, जहाँ पर ये गौतम बुद्ध अपना अन्न जल त्याग कर भूखे प्यासे उपदेश दिया करते थे। सुजाता यह बात देखकर जो है वो काफ़ी आश्चर्यचकित रह गई। सुजाता पहली बार गौतम बुद्ध को खीर बनाकर खिलाया और बोला कि अगर हम मध्यम मार्ग के या मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करते हैं या मध्यम मार्ग के राह पर चलते हैं, तब आप जो हैं वो उपदेश ज़्यादा समय तक दीजिएगा, यानी कि अगर आप खाते हैं कष्ट में उतना नहीं जीते हैं तो आप लंबे समय तक जो है उपदेश दे सकते हैं। तो यह बात जो है सुजाता का गौतम बुद्ध के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा और इन्होंने इस मध्यम मार्ग का राह खोला, और जो किसे संबंधित है, गौतम बुद्ध से या बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न का व्यवस्था है या त्रिरत्न को लिखा गया था। ये त्रिरत्न क्या था, बौद्ध ये बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का उपदेश, ठीक ना। आगे देखिएगा कि बौद्ध धर्म का उपदेश जो है इनका जन भाषा क्या था, बौद्ध धर्म का जन भाषा क्या था, पाली। अर्थात गौतम बुद्ध जो है जितने भी भाषा जहाँ जहाँ जो उपदेश दिया करते थे उनका जन भाषा क्या था, पाली, अर्थात पाली भाषा में ये अपना उपदेश देते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया था, ठीक है ना। ये पूछा गया है, ये एक बार एसआई में भी पूछा गया था कि गौतम बुद्ध जो है वो उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे, तब पाली भाषा में। वही जैन धर्म के जो है प्रवर्तक महावीर वो प्राकृत भाषा में अपना जो है उपदेश दिया करते थे। तो गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया करते थे, पाली। इसको याद करने के लिए जो है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध कितने शब्द है इसमें, बुद्ध में दो शब्द और पाली में कितना, दो शब्द है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। वहीं महावीर में चार वर्ड आता है, ठीक है, महावीर स्वामी और ये क्या है, प्राकृत। महावीर स्वामी और प्राकृत, तो इसको छाटने के लिए ये दो ही ऑप्शन रहता है, पाली और प्राकृत। तब बुद्ध कितने वर्ड में लिखा गया, दो वर्ड में, और पाली कितने, दो वर्ड में ही, ठीक है ना। तो इसको पकड़ने के लिए सिंपल कि बुद्ध ने किस भाषा का उपयोग किया था अपना उपदेश देने के लिए, तब पाली भाषा, बुद्ध भी और बुद्ध दो लेटर का और यहाँ पर जो है पाली भी दो लेटर का। याद रखिएगा कि इनका जो है जन्म भाषा क्या था, पाली। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला इनकी ही मौसी या सौतेली मान कौन थी,
महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। आगे देखिएगा कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध धर्म में कुल तीन ग्रंथ का चर्चा किया गया है। पहला है वो सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक है। पहला जो है वो कौन सा पिटक है? पहला जो है वो सूत पिटक है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में कहा गया है। विनय पिटक में जितने भी बौद्ध भिक्षुक हैं उनके नियम प्रावधान का व्यवस्था किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र से संबंधित है। सूत पिटक किससे संबंधित है? तब बौद्ध धर्म के या बौद्ध के जातक कथा इसी में आता है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी अगर बौद्ध धर्म के जीवनी से संबंधित हम कह सकते हैं, वो सारी बातें जो है वो किसमें है? सूत पिटक में। और विनय पिटक में चर्चा किया गया किसका? तो इसमें बौद्ध धर्म में या बौद्ध भिक्षुओं को किस तरह से या उनका जो नियम कानून क्या होगा प्रवेश लेने का और यहाँ से निकलने का, उसके बारे में चर्चा किया गया किसमें? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक दर्शन शास्त्र, बौद्ध धर्म का दर्शन शास्त्र है ये। आगे देखिएगा, महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष, महान बौद्ध विद्वान कौन थे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित नामक एक महाकाव्य की रचना की थी। बुद्ध चरित नामक एक महाकाव्य की रचना कौन किए थे? अश्वघोष ने। ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। बुद्ध चरित जो है वो बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। इसका जो है रचना कौन किए थे? अश्वघोष ने। कौन किए थे? अश्वघोष ने। अश्वघोष जो है किसके शासन काल में रहते थे? ये कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। आगे देखिएगा कि संस्कृत में लिखी जाने वाली प्रथम बौद्ध ग्रंथ कौन था? ललित बिस्तर। कौन था? ललित बिस्तर। बौद्ध धर्म में संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम पुस्तक कौन है? ललित बिस्तर। ये जो है हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ये ललित बिस्तर जो है वो बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा में लिखा गया यह प्रथम पुस्तक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं बौद्ध संगीति। ठीक है ना, कौन है कहां पर? बौद्ध संगीति पर। तो यहां पर देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था? यानी कि बौद्ध जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद लगभग कितना में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति किया गया। ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ वो कहां पर हुआ था? राजगीर में। कहां पर? राजगीर में, जो उस समय वहां की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, यह जो है समय कब था? 483 ईसा पूर्व में। और इसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये जो है एकदम याद होना चाहिए, ये बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति गौतम, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये बौद्ध संगीति जो है वो कुल चार हुए थे। ये चारों के चारों बौद्ध संगीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सभी के सभी जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि ये बौद्ध संगीति का जो है स्थान, ये पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में। दूसरा जो है इसका समय कब था? तो 483 ईसा पूर्व में। इस समय जो है शासक कौन थे? तो शासक था अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था। इसके बाद अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। आगे देखिएगा, ये प्रथम बौद्ध संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति में कुछ काम हुआ था, जिसमें जो है सूत पिटक और विनय पिटक दोनों का संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगीति में पहला कार्य क्या हुआ था कि सूत पिटक और विनय पिटक दोनों का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। उसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद लगभग 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो गौतम बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद हुआ था।
ठीक है ना। इस समय जो है ये स्थान कहाँ पर हुआ था, वैशाली में। ध्यान रखिएगा, पहला जो हुआ था वो राजगीर में और दूसरा हुआ था वैशाली में। पहला राजगीर और दूसरा वैशाली। इस समय ये समय था 383 ईसा पूर्व में। यहाँ का शासक जो था वो कौन था अभी, वो कालाशोक। पहला का शासक कौन था, अजातशत्रु, और दूसरा कालाशोक। दूसरा बौद्ध संगीति का शासक कौन था, कालाशोक, और इसके अध्यक्ष थे साबक मीर। इसके अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर। इसके अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है वो पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, या बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। आप लोग जो है चौथी बौद्ध संगीति के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हीनयान और महायान में बौद्ध संगीति का बंटवारा हुआ था। ये चौथी बौद्ध संगीति से पहले दूसरी बौद्ध संगीति में भी बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। पहला जो था वो अस्तबीर, पहला क्या है अस्तबीर, और अस्तबीर और दूसरा है महासंगिक। पहला क्या है अस्तबीर और दूसरा महासंगिक। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का बंटवारा या दो भागों में कब बटा था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। किस किस रूप में, किस किस भाग में, तो अस्तबीर और महासंगिक दो भागों में यह बटा था द्वितीय बौद्ध संगीति में। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद आते हैं हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है ना। कौन, तृतीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान कहां पर था, पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगीति का जो है स्थान कहां था, तो ये पाटलिपुत्रा में। इसके बाद जो है ये हुआ था कब, तो 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और इसका शासक कौन था इस समय, अशोक है। इसका शासक कौन था, अशोक है, और ये अध्यक्ष यहाँ पर थे मोगली पुत्र तिस्से। कौन थे अध्यक्ष, मोगली पुत्र तिस्से। पहला जो है आप लोग याद रखिएगा, पहला था राजगीर में और दूसरा हुआ था वैशाली, और तीसरा जो हुआ वो कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। तीसरा कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। पहला के शासक कौन थे, अजातशत्रु। दूसरा शासक था कौन, कालाशोक, और तीसरा अशोक है, ठीक है ना। और अध्यक्ष इस समय कौन थे, मोगली पुत्र तिस्से। यहाँ पर जो है विदेशों में पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार का निर्णय लिया गया, ठीक है ना। अशोक के द्वारा तीसरा बौद्ध संगीति जब हुआ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत छोड़ विदेशों में किया जाए, ठीक है ना। इसलिए जो है इसी के तृतीय बौद्ध संगीति के बाद जो है श्रीलंका और आसपास देशों में इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, ठीक है ना। तब तीसरा बौद्ध संगीति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या कौन सा हुआ था, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था बौद्ध संगीति का प्रचार प्रसार विदेशों में, ठीक है ना। आगे देखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह संगीति जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों बौद्ध संगीति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है चौथा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये जो है इसका स्थान कहाँ है, कुंडलबन। कुंडलबन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में, ठीक है ना। कुंडलबन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। कुंडलबन कहाँ, कश्मीर में। यह जो है समय वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसके शासक कौन था, तो इसके शासक था कनिष्क। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से, कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क। और इस समय एक अध्यक्ष जो वसुमित्र थे और एक उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष, ठीक है ना। और इस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था ये क्या, कि बौद्ध धर्म जो है दोबारा फिर से हीनयान और महायान में बट गया था। ये हीनयान और महायान में कब बटा था, तो चौथी बौद्ध संगीति में। दूसरा बौद्ध संगीति में भी बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, अस्तबीर और महासंगिक के रूप में दो, और उसके बाद चार में, चौथी बौद्ध संगीति में भी बटा था बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हीनयान, महायान के संरक्षक था कौन, ये कनिष्क है। महायान और हीनयान में बस इतना ही अंतर है कि हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा के विरोधी था, और ये मूर्ति पूजा करते थे। महायान वाले लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और हीनयान वाले लोग जो है
वो मूर्ति पूजा में या मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, तो ये जो है चार बौद्ध संगीति इस प्रकार से है। आगे हम लोग ये बौद्ध संगीति से लगभग सारे प्रश्न जो है हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और वीडियो बनाने में काफी जो है मेहनत लगता है, इसलिए लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो अच्छा लगे तब। ठीक है, धन्यवाद।